अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, और आज हम जा रहे हैं ट्रेन का सफर करने। मैं पहली दफा ट्रेन में चलने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड, इवन आई एम नर्वस टू, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड कि ट्रेन का सफर कैसा होगा। और तेजगाम की ट्रेन है और हमारा सफर होगा कराची से रावलपिंडी तक का। फाइनली हम कैंट स्टेशन पहुंच गए हैं और आने वाली ट्रेन की अब लेट्स गो इनसाइड और फिर देखते हैं। नो डाउट कराची का कैंट स्टेशन बिल्कुल साफ साफ सुथरा है। जैसे कि ये वेटिंग एरिया है, लेडीज का वेटिंग एरिया है और आगे जाके दो वॉशरूम है। ये स्टेशन का दूसरा दरवाजा है। ट्रेन 5:30 बजे आएगी। अब फाइनली इट्स 5:30 एंड ट्रेन इज हेयर और नाउ वी विल गो टू द ट्रेन। वी टुक आवर लगेज और हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। और दिस इज अवर कैबिन विच हैड 6 बर्थ्स, लाइक 6 पीपल कैन फिट इन वन कैबिन। एंड इट हैड 2 वॉशरूम्स, लाइक कैबिन के साथ ही इनसाइड बोगी के अंदर 2 वॉशरूम्स थे। एक वॉशरूम ये रहा जो कि अच्छा था, काफ़ी क्लीन था, साफ सुथरा वॉशरूम था। और एक दरवाजे के साथ बाहर वॉशरूम था जो भी काफ़ी क्लीन था। bye bye. कॉफ़ी आ गई है अभी हमारी, कॉफ़ी और चाय अब पी के फिर बताऊंगी मैं कि मज़े की थी या नहीं। आफ्टर कॉफ़ी वी ऑर्डर्ड चिकन ब्रोस्ट, बट दिस ब्रोस्ट वॉज लाइक के चिकन नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं तो चिकन ढूंढने में लग गई कि हाय अल्लाह, ये फ्राइज़ के अंदर चिकन कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन आ गया ब्रोस्ट। अभी हमने पिलोज और ब्लैंकेट्स लिए इनसे क्योंकि हम एसी में ट्रैवल कर रहे थे और ऑब्वियसली एसी में बंदे को लगता है कि पिलोज और जो है आप हमें जो है ब्लैंकेट्स हमें मिल जाती मिल जाएंगी। ऑब्वियसली एक होता है ना कि ग्रीन लाइन में तो मिलती हैं, बट एक्चुअली ये लोग पिलोज भी प्रोवाइड करते हैं आपको और ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके ये लोग लेते हैं पैसे। तो पर सेट के पैसे होते हैं, लाइक इफ़ यू बाय अ पिलो और उसके साथ अगर ब्लैंकेट लेते हो तो उसका किराया लगता है 200 रुपये। तो ये है कि मतलब ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि अगर हम एसी स्टैंडर्ड या बिज़नेस क्लास में ट्रेवल करें तो एटलीस्ट इनको चाहिए कि हमें ये तो प्रोवाइड करें ना कि आपको एक पिलो प्रोवाइड करते हैं और जो है एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं लेकर आते ये सारी चीज़ें जैसे कि हम नहीं लाए। अभी हम हैदराबाद पहुँचे हैं, हैदराबाद की स्टेशन पे, और अभी रात के बज रहे हैं 9। मैंने ऑर्डर किया था खाना, वो मैंने हम लोगों ने खा लिया खाना। अभी मैं थोड़ी अपनी कैबिन से बाहर आके बैठी हूँ, तो हम लोगों ने हाफ रोस्ट मंगवा लिया, लेकिन मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं। ड्रिंक का खा तो ड्रिंक भी वो इतनी देर से लेकर आए कि मैं वेट ही करती रही कि अच्छा अब ड्रिंक आएगी, अब ड्रिंक आएगी। खैर बहरहाल अब रात का खाना तो हो चुका है, इसके बाद कुछ मंचिंग या स्नैक अगर लिया तो ले लूँगी अगर कोई स्टॉप आया। देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्टॉप कहाँ आता है, जिसका अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो हूँ अपने साथ एक बुक लेकर आई हूँ, तो मैं यहाँ बाहर बैठ के वो बुक पढ़ने वाली हूँ। क्यों अभी 11 बज गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं सिरहाड़ी के स्टेशन पे। अब जो है भूख भी लग रही है, लाइक स्नैक्स का टाइम है, लेकिन ट्रेन इतनी देर रुकी नहीं इसीलिए मैं डर के मारे उतर नहीं रही कि अगर मैं उतर गई तो ऐसा ना हो कि ट्रेन ही चली जाए। सो सफ़र वाकई में बहुत लंबा है, तो अब आई लाइक लिटरली गेटिंग बोर्ड क्योंकि बिकॉज एवरीबडी स्लीपी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। और अभी 12 बज रहे हैं और नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा नवाबशाह का। तो लाइक इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड यू आर कमिंग अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, देन तो आई नो यू विल इंजॉय अ लॉट। लाइक ऑब्वियसली अब आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल होता है तो आपको इतना आइडिया भी नहीं होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है कि बट लाइक कोई मैं गेम शेम नहीं आती और मैं कोई गेम खेलनी, लाइक
or something like something with तो शायद वो मैं play कर रही होगी तो like थोड़ी बहुत मैंने book भी पढ़ी book पढ़ने के बाद like obviously थोड़े ज़्यादा pages पढ़ने के बाद I was like क्या अभी let's take a break मैं अपना अभी हम रोडी के स्टेशन पे हैं और मैंने चाय ली है 60 रुपए की जो है ना चाय मिली है मुझे और चाय काफ़ी मज़े की है और बाकी जो है ट्रेन तो बिल्कुल ऐसे चल रही है कि बंदे को बड़ा ही डर लग रहा है मतलब अभी तक अभी 2:30 हो रहे हैं और हम रोडी जो है अभी पहुँचे हैं अभी ये इसका स्टेशन है यहाँ पे स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है रोडी का और यहाँ पे हाफ एन आवर का जो है ट्रेन हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे रुकेगी और ये हमारी रुक ट्रेन है रुक ट्रेन है हर थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और इस तरीके से चलती है कि बंदे का दिल जो है ना कभी भी बाहर आ जाए मतलब इतनी वाइब्रेट हो रही है ट्रेन के हमें डर ही लग रहा होता है बंदे को बिल्कुल नींद नहीं आ सकती गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं अभी तक हम लाहौर नहीं पहुँचे मैं बाकी बीच की जो स्टेशन्स थी वो मुल्तान की भावलपुर की वो मिस हो गई हैं उसके चक्कर में सो रही थी और मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी ताकि थोड़ी बहुत नींद आ जाए पहले तो बड़ा डर लग रहा था लेकिन बाद में शुक्र अल्लाह का नींद आ गई बस अभी मैं यहाँ से चाय लूँगी मतलब यहाँ से ऑर्डर करूँगी चाय ट्रेन का खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट भी कुछ नहीं मिलता हर चीज़ आपको जो है ख़रीदनी पड़ती है अपने लिए अभी हम रायगंज की स्टेशन पे पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेशन हमारा आने वाला है वो लाहौर का है मतलब विद इन 10 से 20 मिनट्स में हम लाहौर पहुंच जाएंगे स्टेशन पे यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी आधे घंटे के लिए लाहौर से तो मैंने कहा एक टूर जो है ना लाहौर स्टेशन का कर लें और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है का इंतज़ाम भी है अगर किसी को पानी वानी पीना है ये इनके रेट चार्जेस हैं अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं कितने की बोतल लेती है 120 की भाई ऐसा ही इन्होंने लोट बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई थी जहाँ पे लोग जाके आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं पानी का कूलर भी था तो मैंने सोचा बैक साइड भी आपको लाहौर के स्टेशन की पूरी दिखा दूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए ये बिरयानी आई है और ये हमारा बर्गर है बिरयानी तो बिल्कुल इंतहा की कोई बिरयानी जो थी ना बड़ी बेकार थी और 400 रुपये वेस्ट हमारे बिरयानी पे अभी जिंगर बर्गर भी 400 रुपये का था तो वो फिर भी सही था जिंगर बर्गर उसके बाद 160 रुपये की ये कुल्फी मैंने ली है जो भी इंतहा की मीठी है शाम के 5 बजे हैं और अभी हम लाला मूसा की स्टेशन पे हैं ये रहा लाला मूसा का स्टॉप ये कितना खूबसूरत लग रहा है लेकिन हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे और कितनी देर लगने वाली है अंधेरा गुप हो चुका है 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमें अभी लेकिन पता नहीं कब पहुँचेंगे अभी हम चकलाला की स्टेशन पे पहुंच गए हैं और कुछ लोगों को यहीं पर उतरना था तो वो लोग यहाँ पे आराम से उतर गए हैं अब बस इसके बाद शायद एक ही स्टेशन होगा और वो लास्ट स्टेशन होगा हमारा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं पिंडी और टाइम भी मैं आप लोगों को बताती हूँ 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं 10 बजे हैं और हम अभी ओहो अल्लाह माफ़ करे अभी पहुँचे हैं बिल्कुल ही थक गए हैं बिल्कुल ही हालात जो है ना हालत ख़राब हो चुकी है लिटरली कोई गाड़ी वाड़ी करवाएंगे
लिटरली मैं इतना थक चुकी हूँ कि अब मुझसे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा। कूली भी करवा लिया था हमने, अब कूली पता नहीं कितने पैसे लेगा, वो आइडिया नहीं है। जितने पैसे लेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ तक था हमारा कराची से रावलपिंडी का सफ़र ट्रेन का। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हर चीज़ की प्राइजेस भी मेंशन की, हर चीज़ मेंशन कर दी है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।